A very good morning, children. I'm your teacher, Navneeta. I have brought today a very interesting story for you. The monkey and the capsuler. Once a capsuler was going to sell his cap in a village market. Ek baar ek capsuler tha. Wo apni caps bechne ke liye market ja raha tha. Caps, caps, red color cap, just 5 rupees caps. Caps, caps, red color caps, just 5 rupees caps. He was going through a forest. He was carrying a basket of red caps on his head. वो जंगल में से जा रहा था और उसने रेड कैप भी अपने सिर पर ही पहनी हुई थी. He got tired in the heat of the sun and he thought of lying down under a tree for some time. वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था. उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी कैप्स बेचने के लिए आगे जाऊँगा. But there were monkeys on the tree. They came down one by one and took all the caps of the capsuler and then they climbed on the tree. वहाँ पेड़ पर बहुत ही सारे बंदर बैठे थे. वो धीरे धीरे करके नीचे आ गए और कैप्सुलर की सारी कैप्स लेकर पेड़ पर वापस चढ़ गए और उन सारी की सारी कैप्स को उन्होंने भी अपने सिर पर पहन लिया और खूब ज़्यादा मज़े करने लगे और हंसने भी लग गए. When the capsuler woke up, he was shocked to see his basket empty and searched for his cap everywhere. जब कैप्सुलर उठा तो उसने देखा कि उसकी टोकरी तो खाली पड़ी है और उसके अंदर कोई भी कैप नहीं है और वो अपनी कैप्स को इधर उधर ढूंढने लग गया. टू हिज सरप्राइज ही सॉ मंकीज वर वेयरिंग दैम. ही फाउंड द मंकीज वर इमिटिंग दैम. जब वो उठा तो उसने देखा कि पेड़ पर जो बंदर बैठे हैं उसने सारी की सारी कैप्स पहनी हुई है. ही स्टार्टेड टू थ्रोइंग हिज कैप डाउन. उसने अपनी कैप उठाकर ज़मीन पर फेंकी. सो द मंकी डिड सो. और मंकीज ने भी ऐसा ही किया. द कैप्सल कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स एंड पुट देम बैक इन द बास्केट. कैप्सेलर ने सारी की सारी कैप्स जो हैं वो उठा ली और उस बास्केट में डाली. एक एक करके कैप्सुलर ने सारी की सारी कैप्स उस बास्केट में डाली. सो चिल्ड्रन, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी डील्स विद क्लेवरनेस इन सच सिचुएशंस.